हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं रविंदर यादव। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंटरनल वायरिंग का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। और इंटरनल वायरिंग ख़त्म करने के चरण में हम लोगों ने कितने उसके प्रकार होते हैं, कितनी विधियों के द्वारा इंटरनल वायरिंग की जाती है और इंटरनल वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका क्या सिंबल होता है, उनका कितना लोड होता है, ये टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि घरेलू वायरिंग में जो तार का स्थापन किया जाता है वह किस प्रकार से स्थापित करते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पहले सर ये बता दिया कीजिए कि ये वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है वो पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, जो 2 ईयर का कोर्स होता है आईटीआई में और 3 ईयर का कोर्स होता है डिप्लोमा में, उन लोगों के लिए ही है ये केवल वीडियो। बाकी अगर आप खुद से अपने घर की वायरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके अगर आप सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये स्पेशली जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्र हैं उन लोगों के लिए ही ये काम करेगा, बाकी अन्य लोगों के लिए केवल एक नॉलेज की बात हो सकती है, परीक्षा में उनसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। आज हम आपको केवल बताएंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि घर में जो तार का स्थापन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो बताएं, ये वाला फिगर समझाएं, ये चीज़ आप समझिए कि सबसे पहले पोल पर से जो लाइन आती है, पोल पर से वो लाइन आती है तो सबसे पहले कहाँ पर जाती है, आपके एनर्जी मीटर में जाती है। ये एनर्जी मीटर, ये फेज और ये आपका न्यूट्रल, ये फेज है, ये आपका न्यूट्रल, सबसे पहले एनर्जी मीटर में जाता है। यानी कि ये जो दो तार हैं प्रवेश करते हैं कहाँ पर, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से तार यहीं से बाहर निकल के जाता कहाँ पर है जी, मेन स्विच बोर्ड में जाता है। ये मेन स्विच बोर्ड में दो तार जाते हैं, अब मेन स्विच बोर्ड के बाद कहाँ जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। यहाँ पर बस बार सिस्टम लगाया गया रहता है। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चाहे तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर के इसको देख सकते हैं, मेथड ऑफ वायरिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से तार क्या करते हैं, बाहर निकाल करके और पूरे घर में वायरिंग की जाती है। तो इसी का जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा यहाँ पर हमने दिखाया है। ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन पर से दो तार, ये जो दो आ रहा है दो तार सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये है एनर्जी मीटर। सिंबल इसके पहले हमने बताया हुआ है, सिंबल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक हमने पीछे बता दिए हैं। तो एक एक करके मैं लिख दूंगा कि ये कितने नंबर का वीडियो है, इंटरनल वायरिंग का कौन सा पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, वो आप लोग देख लीजिएगा। एनर्जी मीटर में लाइन जाती है, एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड में, मेन स्विच बोर्ड के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। अब एनर्जी मीटर में कितने तार जा रहे हैं, दो तार जा रहे हैं। मेन स्विच बोर्ड में कितने तार जा रहे हैं, दो तार जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कितने तार जा रहे हैं, दो तार जा रहे हैं। तो तारों की संख्या को भी सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया जाता है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या होता है कि सर्किट निकलता है, ध्यान रखिएगा आगे भी मैं नियम में बताऊंगा कि एक सर्किट से यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल वायर से 10 पॉइंट और 800 वाट का लोड निकाला जा सकता है। एक फेज और एक न्यूट्रल से 10 पॉइंट और 800 वाट का, यानी कि बल्ब पंखा 5 एम्पीयर का सॉकेट। अब एक बात और ध्यान रखिए कि एक ये जो सर्किट निकल रहा है, एक ये फेज और ये जो न्यूट्रल निकल रहा है, अगर यह लाइट एंड फैन के लिए यूज किया जा रहा है, लाइट एंड फैन के लिए, जिसमें कि बल्ब पंखा और 5 एम्पीयर का जो सॉकेट आता है ये लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत आता है, और जो आपका 15 एम्पीयर का सॉकेट है, 15 एम्पीयर का सॉकेट ये आता है आपका किसके अंतर्गत, पावर सर्किट के अंतर्गत आता है। तो लाइट एंड फैन सर्किट के लिए ये नियम है 10 पॉइंट और 800 वाट लोड, वो आगे मैं नियम बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। केवल यही समझिए कि ये जो एक सर्किट निकला हुआ है
इसमें आप इस सर्किट में 10 पॉइंट और 800 वाट लाइट एंड फैन का क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और अगर आपको पावर सर्किट का कनेक्शन करना है तो पावर के लिए अलग से ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग ही मतलब कि सर्किट का किया जाता है, निकाला जाता है। अब इसमें जैसे ये देख लीजिए, दूसरा नंबर ये जो सर्किट है, ये दूसरा नंबर का सर्किट केवल एक 15 एम्पीयर का सॉकेट को कंटेन करता है, बाकी इसमें बल्ब या पंखा आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर 15 एम्पीयर का सॉकेट का कर रहे हैं तो आपको केवल 15 एम्पीयर का सॉकेट यूज़ में, यानी कि केवल पावर सर्किट ही करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है ना बात? अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जितना भी सर्किट होगा एज योर रिक्वायरमेंट उतना आप यहाँ से सर्किट निकाल लेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगर कोई दूर स्थित भवन है या फर्स्ट फ्लोर पर लेकर के आपको कनेक्शन जाना है तो ये दो तार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही निकाल करके अगले वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेकर जाएंगे, जिसको कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, और वहाँ पर उसको कनेक्शन किया जाता है। और वहाँ से दो या तीन सर्किट है तो उसको क्या किया जाएगा, कनेक्शन किया जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो ये है सिंगल लाइन डायग्राम। इस सिंगल लाइन डायग्राम का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जो कि आपको सीधे सीधे कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए आप सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आप केवल ये बना दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई, क्लियर 50 वोल्टेज एसी, क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट हमको बताया कीजिए। अगर बेकार लगता है, बेकार मतलब कि समझ में नहीं आता है, समझाने का तरीका कुछ गड़बड़ है, आपके दिमाग में वो बातें पहुंच नहीं पाती जो हम पहुंचाना चाहते हैं, तो डिसलाइक करके कमेंट में बताइए कि आप किस प्रकार से, किस प्रकार की भाषा आप समझेंगे, तब हम आपको समझाएंगे दूसरे तरीके से भी। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।